यहाँ से उतर चुके हैं दोस्तों, और अब गेहूं में से निकल के जाना पड़ रहा है। इधर का भी ये खेत कटा नहीं है क्योंकि इसमें अभी सरसों आ रही है थोड़ी, तो कुछ दिन में ये कट जाएगा जल्दी। तो चलो आराम से देखो, बच गया। हाँ चलो ठीक है दोस्तों, तो अभी इधर से अब घूम जाएंगे इधर की साइड। चलो खेत में पहुँच ही गए हैं दोस्तों, खेत में पहुँच चुके हैं। साइकिल को खड़ी कर देते यहाँ आगे, और अभी यहाँ तो बाबा भी लग रहा है, मतलब सिरसू की गेहूँ है यार इनका, तो सिरसू ना मतलब हमारे तो लेकर के जाना पड़ रहा है यार, थोड़ा बहुत गेहूँ को नुकसान तो हो ही जावे। तो फिलहाल अपन पहुँच चुके हैं दोस्तों खेत में, और ये अपनी साइकिल से आए हैं। अभी सारे हथियार वगैरह सब दिखाएंगे, किससे लावनी होंगी किससे नहीं होगी। खेत में पहुँच गए, गेहूँ का खेत ही हो बाबा को खेत। ओ ये भाई वो हथियार है जिससे सरसों की लावनी होगी, और मतलब कैसे होगी वो सब दिखा देंगे आपको। इसको बोलते हैं दरात, इसके पीछे ऐसे मुड़क होती है तो वो सपोर्ट लगाती है, ऐसे काटते हैं तब। बस की काटना 1.5 बीघे का यार घना ही बड़ा खेत हो जावे। 4 दिन में कोशिश करूंगा 4 दिन में पूरा काटने की। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ मीठा खा लें। लेके आया था मैं, क्या लेके आया था देखो। आहा मजा आ गए, मजे यो मम्मी ने सिखाई मेरे, तो दराती यहाँ धरनी ना काम करे जब दराती अपने यहाँ रख ली। ये है पल्स टॉफी, तो मैं मीत के लिए लेके आया था, तो मैं ले आया जेब में रख के, तो मैंने यार पॉकेट में रख लिया, मैंने खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना काम, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा काट के फिर आपको काटना पीटना सब दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कटाई शुरू कर दी है, सिरसू की कटाई दमादम चल रही है। हाँ शाबाश, जान लगा के बेटे मौज कर दी, ये तैगड़ागड़ शाबाश, फिर से लग जा शाबाश, लग जा। ये बात काट करेगा लड़का, मजबूत लड़का है, किसान का बच्चा है, कर देगा काम। तो भाई ये सिरसू छोटी है, छोटी होने की वजह से ना थोड़ा झुक के काटना पड़ रहा है, वरना इतनी ऊपर से कटाई हो जाती है। छोटी होने की वजह से ना मेरी हो गया कमर में दर्द, हो गया सवा घंटे के समथिंग हो गया। अभी इतनी आई भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी आई हुई है। पानी भी पीने का मैं लेके नहीं आया, मैं सोच रहा था पापा आएंगे तब ले आएंगे, लेकिन वो लोग भी अभी तक आए नहीं है। चलो वो खाना वाना खा के आ जाएंगे, मेरा खाना शायद खेत में ही लेके आएंगे। 3 दिन में इस खेत को काट के फ्री कर देंगे, अभी जा रहे हैं घर, और गेहूँ की फसल देख लो। चलो जी खेत में लगा रखा इंजन, तो यहाँ से भी डोरी डारी तो कटी गई, बताइए। चोरी बीच में चोरी बहुत चल रही है यहाँ, चोरी क्या है कि हो रही, जैसे कि जो डोरी होती है ना उसके अंदर मतलब तांबा होता है, तो यहाँ अगर टुकड़े पड़े होंगे तो मैं दिखा दूंगा एक बार, यहाँ कोई टुकड़े नहीं है। यहाँ ये इंजन लगा रखा है, और इंजन के साथ ये लगा रखा है, लेकिन ये कुछ टाइम चली थी, तो डीजल तो चला था यार, इसमें अल्टरनेटर लगा रखा था, वो डीजल तो चलता था, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ गई। राम राम भाई, सबसे मेन बात ये है, सुबह का बज रहे 6:30, और 6:30 का टाइम हो रहा है, मैं फिलहाल हूँ साइकिल पे, अपने वो रनिंग वाले ट्रैक पे तो गया नहीं, सिरसू काटने जाना था। आपको पता ही पिछले व्लॉग जो आपने देखा, सिरसू की कटाई चालू हो चुकी है। कल मैं घर से निकला था सिरसू काटने के लिए, घर वाले सोच रहे मैं गया सिरसू काटने लेकिन मैं सिरसू काटने नहीं गया, मैं जा रहा हूँ फिलहाल अभी मार्केट, तो मेरे को एक छोटा सामान लेना था, तो मैं जाके पहले वो लेके आऊँगा और फिर जाऊँगा मैं सीधा खेत में। सांस बन रही है, सांस नु बन रही, जल्दी जाऊँ, जल्दी सी आकर खेत में लग जाऊँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये अपना इंसा सर्किल है भाई, मस्त मगन तो अपने चलते हैं भाई। और ये आसपास के 7-8 तूड़ा में सुन रहे ना, मेरा कौन का कोटा में घुस खाए हुए। तो भाई ये सनराइज हो रहा है, मेरा है ना आज बड़ा शानदार, आज हो गए खेत में जाने तो लेट, और मम्मी आओगी जब कह देगी छोरा सुबेरा को आयो हा। कह देगी मम्मी छोरा अभी तक के नाम रहे, अभी तक तूने इतनी काटी है। भाई यो पहुंच गया खेत में, और खेत कमाए आ गई, थोड़ी सी ले जाने में दिक्कत है ने। राम राम जी, तो आज साइकिल खड़ी करेंगे यहाँ पैर कमाए, ये बगल वाला खेत में आप काटेंगे, और यहाँ साइड वाला में ये काट ही रहा है भाई, तो अपनी साइकिल को लगा देते हैं यहाँ। क्या अब करते हैं लावणी है, हाँ बाबा काम में कोई बुराई नहीं, जो काम आवे करना चाहिए। 10:30 का टाइम हो गया है, मम्मी पापा पीछे ने काट रहा है सिरसू अभी, और मैं ये अपना खाना आ गया, तो मैं सुबह जल्दी आ गया था, तो खाना मेरा खेत में मंगा लिया, खेत में खाना खाने का मजा ही अलग है यार। ये है अपना दही, इसमें रोटियां, रोटियों में ये क्या है प्रसाद है, और ये है आलू की सब्जी। तो भाई दही आ गया, रोटी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, तो अब
खाना खा लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद फिर करेंगे काम मिल। आ जाओ आप भी खा लो। अरे खा लो यार भाई, 11:30 का टाइम हो गया यार। पापा करे यार, धूप घर चले तो मम्मी पापा को मैं घर छोड़कर मैं आऊँगा इकल्ला, तो मतलब मैं शाम तक कर लूँगा। सोच चीज़ों तो करना ही है यार। ये पैर बना रहा हूँ, सिरसू को पैर ऐसे रहे, मतलब ये बगल वाला खेत कमाए। चलो ठीक है चलते हैं, नहीं तो बात लीक हो जाएगी। नज़दीक आ गए तो मैं पहुँच गया, ये देख लो आप लोग। और मम्मी ने और पापा ने मैं छोड़ आया घर। मैंने कि चलो चलो चलो, पापा बोला यार बस ठीक है, मैंने चलो 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 घर चलते हैं। अब वो लोग घर है, मैं अपने चोरी चुप्पे चुपचाप आ गया खेत में। अब शाम तक जितना मैंने सोच रखा है ना, मतलब मम्मी पापा ने ये सोच रखा भाई इतना काटना है आज, तो उतना तो मैं अब काट के चला जाऊँगा। शाम को मैं नहीं आऊँगा, शाम को मम्मी पापा थोड़ी देर आ जाएंगे, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। काट के जाऊँगा शाम तक। अब मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा तो ये है, ये उधर तो कटी रहा है और ये इधर से मिलता हुआ ये सिरसू है सारी। और भाई ये उधर काट रखा है उधर से, और उधर वो सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको सामने है ये वाला, ये इस पेड़ का जितना, ये पूरा इधर से ये पूरा काट के जाऊँगा, इधर से ये और इधर से ये कट के आ गया, ये कट के आ गया ये, और भाई इधर से ये काटना है और इधर से छोटा सा ये है ये जो खड़ा हुआ है ये काट के। तो दोस्तों शाम तक मतलब मेरे को ये काट के फ्री करना है। मैं देखता हूँ क्या मैं काट पाता हूँ कि नहीं काट पाता हूँ, वैसे कोशिश पूरी करूँगा, मतलब मैं काट ही दूँगा यार, इतनी तो काट दूँगा सिरसू तम की समझा, सिरसू काट दूंगा भाई। 12:30 लगा था, 1:30 बज चुके हैं, इधर से ये पूरा काट दिया, अब उसको काटेंगे और उसको काटेंगे। मतलब शक्ल ऐसी हो रही मेरी जैसे बंदर की ना हो जाए करे, ऐसी शक्ल हो रही मेरी, पिछवाड़ लाल हो जावे ना धूप की वजह से हो रही है यार। यो भाई काट दिया है, 2:45 का टाइम हो गया, मतलब थक चुका हूँ मैं बिल्कुल ही, और साइकिल पीछे पड़ी हुई है। देखो 5 बज चुके हैं और मतलब 5 बजे सिलेंडर वाला चला जाता है, घर का सिलेंडर खत्म हो गया, कई दिन हो गए थे तो टाइम नहीं लग रहा था इसलिए। तो आज सिलेंडर के लिए, सिलेंडर और 2-3 काम और करने थे मार्केट के, तो वो करने के लिए मतलब पूरा दिन काम इसलिए किया था कि शाम को मैं आज घर के सारे काम जो फ्री कर दूंगा। सीन ये है कि अभी जाएंगे और सिलेंडर भरवाएंगे, पहले भरवाने के बाद बिल जमा कराने घर के। मतलब वॉश नहीं की, कुछ नहीं किया, बस चल दिए लेके, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी था, शाम के 5 बजे उन्होंने बोला था, तो फिक्स 5 बज चुके हैं, देख लो फिक्स 5 बज चुके हैं। तो सिलेंडर भरवा लिया, पीछे सिलेंडर मतलब गाड़ी में ही रखा, तो पीछे कोई चोट सोट ना हो, तो पीछे के ऊपर का डैशबोर्ड जो है वो मैंने रख दिया है। तो अब चलते हैं, अब जाके अपना 2-3 काम हो रहे हैं उनको और फ्री कर लेते हैं। चलो ठीक है गाइज, मतलब कि आपने पूरे दिन देखा यार, सिरसू में काम किया, लावणी की, कुछ आज मेरा शरीर थोड़ा थक गया है, चलो कोई बात नहीं, वो तो सब चलता रहता है। आज के अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, अगर वॉलीबॉल खेलते हैं तो थोड़ी बहुत देर खेलेंगे, नहीं बाकी कोई जरूरी भी नहीं है, तो थोड़ी मटर गश्ती भी कर लेंगे फिर ही, ओके। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर से दोबारा नई वीडियो में, आज के व्लॉग का करते हैं अपन यहीं पे एंड। राम राम जी। भाई जा रहा है तो इससे एक बार रास्ता पूछते हैं, रास्ता तो अपने को पता ही है वैसे ही। भाई साहब बिरामपुर जाना, बिरामपुर मेरे पीछे आ जा भाई, हैं मेरे पीछे आ जा, गलत ले गए हो तो। अरे यार तूने जहाँ जाना हो वहीं ले जा, छोड़ो भाई।